और ये देखिए दोस्तों कलभट का नजारा कुछ इस प्रकार है। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है भैया। हाँ, यहाँ बहुत ही ठंडा भी बहुत ही अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सांस वसंतर स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। सो दोस्तों, अभी बैल सबको इधर खूट दिए हैं, गाय सबको यहाँ खूटे हैं और बैल सबको वहाँ खूटे हैं। तो आप चलिए चलते हैं झरना तरफ और पैर हाथ धो के आते हैं। वो रहा झरना, और रंगीला फैमिली से भी मिलवाएंगे और मूर्ति भी उठाए हुए हैं, तो मूर्ति भी देख लेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे कैसा मूर्ति है। सो दोस्तों, आप झरना पहुंचने वाले हैं और ये देख सकते हैं बांस का पेड़ लगा हुआ है। जब ये छोटा रहता है तभी करील बोलते हैं, और जब बड़ा हो जाता है तभी बांस हो जाता है, बम्बू। तो इसका जब छोटा रहता है करील, उसको खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप लोग जो खाए होंगे वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि खाने में कैसा लगता है। सो दोस्तों, हम झरना के पास पहुंच गए हैं। ये झरना का नज़ारा देख सकते हैं कितना खूबसूरती है, पूरा जंगल के बीचों बीच है ये देखिए। और यहाँ का पानी पीने से बहुत ही ठंडा लगता है। अगर आप लोग जो आए होंगे वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि यहाँ का पानी कैसा लगता है। सो पीने में बहुत ही ठंडा रहता है, और आप लोग आइएगा यहाँ तो ज़रूर एक बार पी के जाइएगा, क्योंकि बहुत ही ठंडा रहता है। इतना ठंडा रहता है ना कि यहाँ फ्रिज भी फेल है। तो चलिए अब टाटी खोलते हैं। ये गेट है, ये देसी गेट है। चलिए अब यहाँ धोते हैं। एक तो यहाँ डूबा है, इसको डूबा बोलते हैं। चलिए पानी उठाते हैं और धोते हैं और आप लोग से मिलते हैं। दोस्तों, हम झरना में धो लिए, अब चलेंगे। ये टाटी लगा रखते हैं, ये बहुत ही अच्छा बनाए हुए हैं रंगीला फैमिली, और सेफ्टी में रखे हुए हैं पानी को। चलिए लगा दे रखते हैं, ये लगा दिए, अब चलिए। दोस्तों, हम रोड निकल गए और ये रोड का नज़ारा देख सकते हैं, पूरा एकदम खराब हो गया था लेकिन अब बन रहा है। ये काम चालू हो गया है, तो अभी पूजा था इसीलिए काम अभी बंद था, तो फिर से पूजा के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा और फिर बनने का स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा होगा जब बन जाएगा, तो नहीं तो इतना एकदम खराब रास्ता है ना। दोस्तों, आप पहुंचने वाले हैं रंगीला फैमिली का घर, ये देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ भी लगाए हुए हैं देसी टाटी, तो चलिए यहाँ भी खोलते हैं। ये खोल दिए और ये देख सकते हैं आलू भी लगाए हुए हैं, पूरा अभी हरा भरा है। तो चलिए घर की ओर चलते हैं। दोस्तों, हम पहुँच गए हैं भैया के पास। ये देखिए भैया बैठे हुए हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, क्या कर रहे हैं? यही मतलब ठीक रोज ले रहे हैं, और रोज का मजा ले रहे हैं, रोज का धूप का मजा ले रहे हैं। तब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। हाँ, और पूजा वूजा कैसा रहा? पूजा बहुत बढ़िया रहा। हाँ, फर्स्ट क्लास रहा एकदम। अच्छा रहा ना? एकदम धूमधाम से एकदम पूरा मनाए तो। हाँ, बहुत ही अच्छा था, हम लोग भी पूरा अच्छा से मनाए। अच्छा। हाँ, गांव में जो था मतलब साल भर में एक बार त्योहार आता है, तो उसको तो धूमधाम से ही मनाने से बढ़िया रहता है। हाँ, तो हम दिखा नहीं पाए क्योंकि और एक जगह उठा हुआ था मूर्ति ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन लोग का पहले ही पूजा हो गया, तो उन लोग को पूरा साउंड बजता था। अच्छा अच्छा। हाँ, इसीलिए नहीं दिखा पाए। अच्छा, कोई बात नहीं, बस पूजा को दिल से करना चाहिए। हाँ, माता सरस्वती जो ही मतलब हम लोग को बोलने का कला, और हम लोग का जो भी मतलब हम लोग का जो ज्ञान होता है, हाँ, माता सरस्वती से ही ना हम लोग का सब प्राप्त होता है। हाँ, तो भगवान को जो है दिल से मानना चाहिए। हाँ, एकदम बस दिल से जहाँ भगवान को मानेंगे तो आपको हर मनोकामना पूरा होते जाएगा। हाँ, हर चीज इच्छा जो आपका कर रहा है वो आपका जो दिल मतलब वो पूरा करते जाएंगे भगवान। हाँ, तो हम लोग भी बहुत ही धूमधाम से मनाए सरस्वती पूजा का त्योहार, हम लोग का बहुत ही धूमधाम से रहा। तो भैया बुलाए हुए थे लेकिन हम अपना गांव में करते थे, बुलाए थे सभी को, जितना हमारे गांव के हैं मैंने सभी को प्राय प्राय निमंत्रण दे दिए थे। सब कोई अपना अपना पूजा में व्यस्त हो गया, तो मतलब नहीं आ पाए। नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं, मैंने जहाँ भी पूजा किया लेकिन पूरा धूमधाम से किया ना। किए? हाँ, एकदम किए। चलिए, बहुत बढ़िया रहा। हाँ, और हम लोग आज सोच रहे हैं कि विसर्जन का हम लोग शुरुआत करेंगे अभी, मतलब
हम लोग देसी तरीका से हम लोग धूमधाम से मनाने वाले हैं, मनाने वाले हैं विसर्जन का। ये मतलब जो हम लोग मूर्ति का जो विसर्जन करते हैं गांव देहात में, बहुत ही धूमधाम से होता है दोस्तों। और हम लोग का जो ये परंपरा जो चलते आया हुआ है हम लोग का गांव देहात में, पूरा एकदम हम लोग धूमधाम से जैसे देसी तरीका से के साथ में एकदम। क्या शंकर भाई, एकदम एकदम। और कलवट घर थोड़ा दिखाइए, चलिए। हाँ, कलवट घर तो टूट रहा है बाबू, यही तो मतलब बहुत ही लेकिन खराब लगता है। जब वीडियो हम देखते थे ना, बहुत ही खराब लगने लगता है, क्योंकि इतना अच्छा एकदम दिखने में लगता था ना, और इतना अच्छा बनाए हुए हैं ना कलवट तो। अभी भी वो कलवट जो है इतना अच्छा, मतलब हम लोग इसको सजाए थे। हाँ, लेकिन हम लोग का काफी मतलब क्या बोले, हम लोग को भी खराब बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ, क्योंकि इतना मेहनत करके हम लोग बनाए थे, अब तो देखे ही थे मतलब। हाँ, कैसे मेहनत किए थे उसको बनाने। हाँ, और हम लोग जो है ये घर को भी काफी मेहनत किए थे बनाने में, लेकिन क्या कीजिएगा, समय समय की बात है। हाँ, रोड भी चौड़ीकरण रोड भी चौड़ीकरण हो रहा है, इसीलिए तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। बात सही है। हाँ, चलिए, रोड भी बनता है तो सब मतलब पब्लिक के लिए ही बनता है, पब्लिक के लिए बनता है, और हम लोग को भी अच्छा होगा। हाँ, हम लोग को भी खराब लगता था। हाँ, तो अब रोड बन जाएगा तो ये मतलब हम लोग का जो बाजार उजार जाने का जो सुविधा है, धीरे धीरे हम लोग को जो है मतलब अच्छा हो जाएगा। और नहीं तो फिर ऐसा गढ़ा गुढ़ो में रात अंधार को भी चलने में पूरा दिक्कत हो जाता है। हाँ, अभी बोला प्लेन से बन जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कलवट घर को, फिर दिखा पाएंगे कि नहीं। देखिए, ईटा वगैरह सब कबाड़े हैं, देखिए ऊपर में जितना है। हाँ, सब पूरा कबाड़ दिए हैं, सिर्फ क्रिकेट को जो है नीचे उतारना। हाँ, तो आप तो कल बात किए हैं वीडियो में, वो बात किए हैं, वो जो मतलब रोड का जो मुंशी है। हाँ, उससे बात किए हैं कि इसको उतारने के लिए बोल रहा था वो। हम बोले कि भैया ये मतलब पूजा आ गया, तो पूजा में तो हम लोग ज्यादा इधर अपना घर में पूजा कर रहे हैं तो ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे। हाँ, तो क्रिकेट को तो नहीं उतार पाएंगे, तो एक दो दिन मतलब जब तक आपका काम बंद है तब तक हम लोग जो है हम लोग भी पूजा वूजा से निपट जाते हैं। हाँ, उसके बाद में फिर उतार देंगे इसको, उतारने में तो ज्यादा ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हाँ, तो वो मान गया वो, फिर बोला कि ठीक है अभी तो दो तीन दिन बंद ही रहेगा काम, ऐसा बोला। हाँ, तो फिर वो मान गया, तो हम लोग भी सोचे कि अब क्रिकेट को उतार ही देंगे, मतलब पूजा बिहान हो जाएगा, तो आज के बाद तो फिर उधर पूजा बिहान ही हो बिहान हो ही गया। और ये देखिए दोस्तों कलवट का नजारा कुछ इस प्रकार है, देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है भैया। हाँ, यहाँ बहुत ही ठंडा भी बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, गर्मी के दिन में ना। हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छा ठंडा, और अभी भी पूरा ठंडा लग रहा है। और यहाँ तो गर्मी देता है लेकिन बाहर में थोड़ा ठंडा देता है, मस्त ठंडा लगने लगता है। ठंडा देता है। हाँ, देखिए अभी तक ये सूखा भी नहीं है। हाँ, देखिए जमीन पूरा। हाँ, बहुत अच्छा ठंडा, बहुत ही अच्छा लेकिन यहाँ लगता है रहने में। और देखिए कलवट घर को कैसा सजाया है एकदम, जब मुनि का बर्थडे था उस समय देखिए पूरा एकदम इतना अच्छा से सजा दिए थे ना। हाँ, लेकिन क्या करें, अभी तो तोड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। हाँ हाँ, बात सही है। हाँ, कलवट पूरा देखिए हम लोग खाना पीना बना रहे हैं। हाँ, मतलब जब तक क्रिकेट को नहीं उजाड़े है ना, तब हम लोग सोच रहे हैं कि खाना पीना बनाते हैं यहीं पर। हाँ, यहीं पर बनाए, उसके बाद फिर इसको उजाड़ देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग को जो है दीवार खड़ा करने पड़ेगा। हाँ, इधर तब जाके क्रिकेट को ला देंगे तो सुविधा हो जाएगा। और ये देखिए अभी कलवट रहेगा कि नहीं, अब तो देखना ही होगा। लेकिन नहीं, मतलब वो तो बोल रहा था, अभी इसके विषय में कुछ ऐसा बोला नहीं है। बोला नहीं है, लेकिन उखाड़ेंगे कि क्या क्या करेंगे, सब कुछ बोला नहीं। अभी सब किधर है भाभी? उधर पंडाल तरफ गए हुए हैं। पंडाल तरफ? हाँ, उधर मूर्ति है ना। हाँ, तो उधर ही गए हुए हैं। तो चलिए मूर्ति भी देखते हैं। हाँ, चलिए। तो दोस्तों पहुंच गए हैं मूर्ति के पास, ये देख सकते हैं यहाँ सब बैठे हुए हैं। सोनम उधर बैठी हुई है, क्या सोनम कैसी है? एकदम। और इधर चाचा जी बैठे हुए हैं। हेलो। अरे ये चाचा लगते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हाँ, चलिए सरस्वती माँ से भेंट कर लेते हैं। चलिए भेंट कर लिए। और ये रंगीला देख सकते हैं, रंगीला बाबू एकदम आपका ठीक है ना, फैन है, सबसे बड़ा फैन है रंगीला। हाँ, ए हीरो यहाँ देखो, यहाँ 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 देखो, कौन है बोलो तो, हम कौन है, हम कौन है? शंकर। शंकर चाचू। और लीजिए भैया प्रसादी खा लीजिए। हां, थैंक यू, आराम से पकड़िए। हां, एकदम खाइए मस्त। पूजा कैसा रहा आपका? पूजा हम लोग का बहुत मस्त रहा, बहुत अच्छा मस्त रहा ना। हां दोस्तों, हम प्रसाद खा लिए, अब हम चलेंगे घर की ओर। हां तो ठीक है भैया, अब आज विसर्जन है तो आज कहाँ जाइएगा, आज यहीं रुकिए, अभी विसर्जन के लिए अभी हम लोग धूमधाम से, अगर आप लोग रहिएगा सब कोई मिल करके बढ़िया से मतलब विसर्जन में। हाँ हाँ, तो अभी अच्छा आएंगे ना, आएंगे। अच्छा। हाँ, अभी
आएंगे, कुछ काम है तो जा रहे हैं। हम भी जाने वाले थे लेकिन रोक के रखे हैं। विनोद भाई को भी रोक के रखे हुए हैं। तो आपका भी चैनल है? हाँ, मेरा भी है। हाँ, तो चैनल का नाम क्या चाहिए? खुशीराज फैमिली ब्लॉग। तो दोस्तों भैया का भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना भैया? हाँ ठीक ठीक है भैया, कर लीजिएगा। हाँ ठीक ठीक। दोस्तों हम भैया से मिल करके घर निकल गए, चलिए अब घर चलते हैं। दोस्तों हम घर पहुंच गए और ये देखिए मेरा घर का सामने हम लोग सब मिल करके उठाए हुए हैं मूर्ति सरस्वती माँ का। आप लोग देख लीजिए कैसा है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये सजावट देख सकते हैं कैसा सजाए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए दोस्तों बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।